नमस्कार। देखिए अगला प्रश्न है, सिरका किसका जलीय विलयन है? देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं जलीय विलयन क्या होता है। विलयन वो होता है जिसमें जो है दो या दो, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है, दोनों मिलते हैं तो विलयन बनता है। जलीय विलयन का मतलब जिसमें इक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, इक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो। केमिस्ट्री के रिएक्शंस और किताबों में आप देखेंगे तो उसमें AQU लिख के ऐसे बिंदी रहेगी। अगर वो एल्कोहलिक सॉल्यूशन रहेगा, एल्कोहलिक विलयन, तो उसमें AlC लिख के बिंदी लिखा रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ACE लिखा रहेगा, AlC। अब ये तो हो गया जलीय विलयन के बारे में। किसकी जलीय विलयन? सिरका। सिरका जिसे जो है हम विनेगर भी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? विनेगर। आपका क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। जो चाउमीन में डाला जाता है उसी के प्रतिशत के बारे में, जैसे नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, इमली का अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम इसके सूत्र को एक एक करके जानते हैं। नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में आपका पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? छह कार्बन होते हैं, तीन आपके एसिटिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के सूत्र होते हैं, एक OH होता है, ठीक है। सिंपल फार्मूला C6H8 और O7 होता है। इसका अणु सूत्र देखेंगे तो आपका यहां पर, उसके बाद इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टार टेरिक एसिड। यहां से भी ये भी प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न बनता है। ये तो नहीं हो, नींबू नहीं होगा सिरके में। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। इसका और डिटेल सूत्र देख लेते हैं। ये इस तरह से सिरके में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, उसका सूत्र ये होता है, ठीक। और यहाँ टार्टरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl होता है, ठीक। टार्टरिक अम्ल में आपका क्या होगा? ये है आपका टार्टरिकम। ये जो है आपका इमली में पाया जाता है, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका जठर रस में पाया जाता है, जठर रस गैस्ट्रिक जूसेस में, ठीक। ये देखिए मेरे पास एक सिरका का डिब्बा भी है, इसमें सिरका रखा हुआ है, ठीक। तो ये सिरका पहले यहां तक भरा था, धीरे धीरे खाते खाते यहां तक पहुंच गया। तो ये इस सिरके में क्या होता है? इस सिरके में अगर तगड़ा रहता है तो इसमें थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा रहती है, परसेंटेज के हिसाब से रहता है और खाने में मजा आता। देखिए जो सिरका होता है वो हमारे डाइजेशन को फास्ट करता है। अगर आप खाने में या खाने के बाद सिरका एक दो चम्मच लेते हैं तो आपका डाइजेशन फास्ट हो जाएगा। अब डाइजेशन फास्ट क्यों होगा? डाइजेशन क्योंकि इसमें जो है आपका जो रिएक्शंस हमारे डाइजेशन में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स का, इसका डीकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है, या कहिए कि ये आपका एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, बहुत सारे रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, तो डाइजेशन फास्ट हो जाता है। और कुछ ऐसी रिएक्शंस नहीं होती हैं जिससे गैस वैस बनती है, या गैस जो बनती है वो बहुत जल्दी निकल जाती है और हमें आराम मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।